रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां का संग्राम इस बार वाया नंदीग्राम जा रहा है, क्योंकि अब की बार न सिर्फ राज्य की बल्कि पूरे देश की निगाहें सबसे हॉट सीट मानी जा रही नंदीग्राम पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम के जंग से ही राज्य का भविष्य तय होना है, इसलिए तो ममता बनर्जी कल नामांकन से पहले आज ही नंदीग्राम के रण में पहुंच रही हैं। बंगाल के रण में ये ममता बनर्जी का सियासी अंदाज है। इसी अंदाज में वो विरोधियों पर हमलावर रहने वाली हैं। एक तरफ अकेले ममता बनर्जी, दूसरी तरफ पूरी बीजेपी की टीम। फिर भी ममता अकेले ही पूरे बीजेपी से मोर्चा ले रही हैं। रविवार को महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में रैली की, तो अगले ही दिन कोलकाता में महिलाओं के अपराध पर हल्ला बोल कर दिया। वहीं आज नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही हैं। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है अपना बीजेपी राज्य उत्तर प्रदेश। विकेल तीन मेरा बेरोते पड़े ना, मध्य प्रदेश में बेरोते पड़े ना, बिहार में बेरोते पड़े ना, गुजरात में बेरोते पड़े ना। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव में उतर रही हैं। यहां से चुनाव का ऐलान करने के बाद उनका पहला नंदीग्राम दौरा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का भी प्लान है, साथ ही चुनाव अभियान का जायजा भी लेंगी। अगले दिन यानी 10 मार्च को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपने चुनावी कैंपेन का बिगुल बजाएंगी। आज दोपहर वो एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग को नंदीग्राम में संबोधित करेंगी और आज रात नंदीग्राम में ही रुकेंगी। कल सुबह मंदिरों के दर्शन करते हुए ममता बनर्जी पहुंचेंगी हल्दिया के सब डिविजन ऑफिस में, जहां से वो तृणमूल के प्रत्याशी के तौर पर नंदीग्राम से अपना नामांकन पर्चा भरेंगी। स्वागतम, स्वागतम मोदी, मोदी, मोदी। ममता पहली बार नंदीग्राम से विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। ये चुनौती इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ शुभेंदु अधिकारी यहाँ से दीदी के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। ममता की सेना के सेनापति रह चुके शुभेंदु को दीदी की सारी रणनीति पता है, इसीलिए वो दीदी को हराने का बहुत पहले से दावा कर रहे हैं। बहुत भारी मत से ममता बनर्जी जो भवानीपुर से भाग के उधर गया हेलीकॉप्टर से, वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने ये चुनाव हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। जहां एक और ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने खुद नंदीग्राम के आंदोलन को नेतृत्व दिया था, जिनके नेतृत्व में उन्हीं के शिष्य शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के आंदोलन से जुड़ गए थे। पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीति के क्षेत्र में ममता बनर्जी सबसे कद्दावर नेता है और सबसे करिश्मेटिक है, और वहीं उनकी लड़ाई इस बार शुभेंदु अधिकारी से है। और अधिकारी परिवार का पूर्वी मिदनापुर जिले में किस तरह का पकड़ है, उसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी खुद पूर्वी मिदनापुर से दो बार के सांसद रह चुके हैं और 2016 के विधानसभा चुनाव उन्होंने नंदीग्राम से भारी वोटों से जीता था। ममता बनर्जी के नामांकन करने के दो दिन बाद यानी 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बंगाल सियासत की धुरी बन चुके नंदीग्राम में अब खेला दिलचस्प हो गया है। नंदीग्राम आंदोलन के दो नायक क्रांति की इस जमीन पर आमने सामने हैं। आमी आपनादेर काछे बोलबो, आमी बार बार आसबो, नंदीग्राम आमार होच्छे एकटा लाकी जायगा। 2016 इलेक्शनेर आगे आमी नंदीग्राम थेकेई आमी आमार इलेक्शन घोषणा करेछिलाम। की जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले थे और सीपीएम के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोट। इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 81,230 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। भले ही जीत का अंतर 81,000 से भी अधिक रहा हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी के चाइना, सिंडिकेट ऑफ चाइना, तुला वाज़ चाइना।
भ्रष्टाचारी चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। अब ऐसे में ममता दीदी शुभेंदु को नंदीग्राम के चक्रव्यूह में घेर रही हैं या खुद उसी में उलझ रही हैं। तो हो गई ये राजनीति के विश्लेषण का विषय है, लेकिन तय है नंदीग्राम का मुकाबला सबसे रोमांचक होगा। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और पौलोमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजारामन, कोलकाता आज तक।